और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के बारे में, मतलब 6 ऐसी गाड़ियां जो आपके बजट में आएगी, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और आपको पैसा भी वसूल करके देगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इन 6 बाइक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली 3 बाइक्स ऐसी होगी जो 1,00,000 रुपए के अंदर में आ जाएगी और बची हुई 3 बाइक्स ऐसी होगी जो 1,50,000 और 2,00,000 के अंदर में आ जाएगी। तो पहली बाइक है बजाज पल्सर 150। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस बाइक को ना जानता हो, क्योंकि ये 150 cc की एक लौती बाइक जो हर साल इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है और इस बाइक का प्राइस 70,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस बाइक में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला पल्सर 150 नियॉन ABS जिसका प्राइस है 75,000 एक्स शोरूम दिल्ली। दूसरा पल्सर 150 ABS इसका प्राइस है 86,000 एक्स शोरूम दिल्ली। और तीसरा है पल्सर 150 ट्विन डिस्क ABS और इसका प्राइस है 89,000 एक्स शोरूम दिल्ली। और सिंगल चैनल ABS आपको तीनों ही वेरिएंट्स में मिलेगा विद RLP सेंसर जो आपको पीछे के टायर में मिलता है, और RLP सेंसर ब्रेक लगाते समय स्पीड को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। अब देखते हैं कि तीनों वेरिएंट्स में क्या चेंजेस हैं। तो पल्सर 150 और 150 UG5 का डिज़ाइन सेम है, बस UG5 में आपको स्प्लिटेड सीट मिलती है और पल्सर 150 में आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलती है। बाकी ग्राफिक्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं और 150 नियॉन का डिज़ाइन एकदम अलग है, उसमें आपको टैंक पर एक्सटेंशन नहीं मिलता है और ना ही ग्राफिक्स मिलते हैं। नॉर्मल बाइक के मेन पार्ट्स पर आपको नियॉन कलर से हाईलाइट किया है, इसलिए नियॉन का प्राइस कम है, लेकिन फिर भी ये बाइक काफ़ी सुंदर दिखती है और 75,000 में ये बाइक बजट फ्रेंडली है। इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको मिलता है 149.5 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 2-वाल्व एयर कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 14 PS एट 8,000 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क है 13.4 Nm एट 6,000 RPM पर। और अगर माइलेज को देखा जाए तो आप पल्सर 150 से अराउंड 40-45 km/L का माइलेज गेन कर सकते हो। सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिलता है और रेयर में नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है। बाकी पल्सर 150 का परफॉर्मेंस हमेशा से ही अच्छा रहा है और अगर आप 2020 में अच्छी और सस्ती बाइक ढूंढ रहे हो तो पल्सर 150 आपके लिए सही रहेगी। और पल्सर लवर के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए पल्सर 150। दूसरे नंबर पर है TVS अपाचे RTR 160 और RTR 160 4V। दोस्तों, इन दोनों ही बाइक्स ने तो इंडिया में तहलका मचा कर रखा है। RTR 160 का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन RTR 160 4V ने तो काफी सारे इंडियन भाइयों का दिल जीत कर रखा है, क्योंकि 2019 में 7,00,000 RTR 160 4V बिकी थी इंडियन मार्केट में, जो कि अपने आप में बड़ी बात है कि एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड और दूसरी विदेशी कंपनी को पीछे छोड़ रहा है। वैसे तो RTR 160 का लुक काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बाइक कहीं ना कहीं सभी को पसंद है, क्योंकि एक समय था जब RTR 160 ने अपने स्पोर्टी डिज़ाइन और मस्कुलर टैंक की वजह से मार्केट में अपनी एक अलग ही इमेज बना ली थी, लेकिन अब RTR 160 4V काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और बाइक हर एंगल से एक स्पोर्टी अपीयरेंस शो करती है। अगर प्राइस के बारे में बात किया जाए तो RTR 160 में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं। पहला सिंगल डिस्क ABS और इसका प्राइस है 87,000 एक्स शोरूम दिल्ली। दूसरा डुअल डिस्क ABS और इसका प्राइस है 90,000 एक्स शोरूम दिल्ली। इसलिए अगर आपका बजट 90,000 तक है तो अपाचे RTR 160 आपके लिए सही रहेगी और इस बाइक से आप अराउंड 50-55 km/L तक का माइलेज गेन कर सकते हो। और RTR 160 4V में आपको 3 वेरिएंट्स मिल, पहला सिंगल डिस्क ABS इसका प्राइस है 92,000 एक्स शोरूम दिल्ली। दूसरा डुअल डिस्क ABS प्राइस 95,000 एक्स शोरूम दिल्ली। तीसरा FI विथ ABS प्राइस 1,00,000 एक्स शोरूम दिल्ली। और 160 4V से आप अराउंड 45-50 km/L तक का माइलेज गेन
कर सकते हो और दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। दोस्तों इंजन डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बाइक का लगभग सेम है, बस पावर का ही डिफरेंस है। 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SI इंजन मिलता है और 160 में आपको 15.11 PS एट 8000 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और RTR 160 4V में आपको 16.7 PS एट 8000 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और RTR 160 4V में आपको FI वेरिएंट भी अवेलेबल हो जाएगा। सस्पेंशन और टायर को देखा जाए तो RTR 160 में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 17 इंच का 90 सेक्शन 90 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और पीछे आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक सस्पेंशन मिलता है और 110x80 का टायर साइज मिलता है और RTR 160 4V में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 90x90 का 17 इंच का टायर साइज मिलता है और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है और 130x70 का टायर साइज मिलता है। बाकी दोस्तों ये इंडियन ब्रांड की बाइक है इसलिए इसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कम पे करना पड़ेगा और अगर आप सच में एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक लेना चाहते हो तो ये दोनों ही बाइक्स आपके लिए सही रहेगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि RTR 160 और RTR 160 4V में से आपको कौन सी बाइक का लुक्स सबसे ज्यादा पसंद है। तीसरे नंबर पर है बजाज पल्सर 220F। दोस्तों इस बाइक को हम कह सकते हैं कि ये एक पॉकेट फ्रेंडली बाइक है। बजाज ने पल्सर 220F को 2009 में लॉन्च किया था और लगभग इस बाइक को 10 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी इसकी सेलिंग्स बरकरार है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस, माइलेज, बिल्ड क्वालिटी, पावर सब कुछ A1 है और लुक्स में तो ये बाइक एकदम यूनिक है। सेमी फेयरिंग बॉडी टाइप है और फ्रंट में आपको ट्विन प्रोजेक्टर बल्ब मिलते हैं जो बाइक को एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं। अब अगर प्राइस के बारे में बात किया जाए तो पल्सर 220F ABS आपको सिर्फ 1,08,000 एक्स शोरूम दिल्ली के प्राइस में मिल जाएगी और ये एक लॉन्ग टर्म बाइक है, मतलब अगर आप इस बाइक को लोगे तो ये 100% गारंटी है कि ये बाइक आपको पैसा वसूल करके देगी क्योंकि 220 सीसी की यही एक बाइक है जो आपको सिर्फ 1,08,000 रुपए में मिल जाती है और इंजन इसमें आपको मिलता है 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ट्विन स्पार्क ऑयल कूल्ड DTSI इंजन जिसकी मैक्सिमम पावर है 21 PS एट 8500 RPM पर और टॉर्क है 18.55 Nm एट 7000 RPM पर और माइलेज इस बाइक से आप अराउंड 40 to 45 KMPL तक का गेन कर सकते हो। टायर्स और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 17 इंच का 90x90 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और पीछे आपको 5-वे एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलेगा और 17 इंच का 120x80 का टायर साइज मिलेगा। बाकी दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 2020 में बाइक लेने की सोच रहे हो और आपका बजट 1,10,000 तक है तो इससे अच्छी वैल्यू फॉर मनी बाइक आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती और 220 लवर्स इस बाइक की खासियत कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फोर्थ नंबर की बाइक है यामाहा R15 वर्जन 3। दोस्तों ये बाइक आते ही इतना फेमस हो चुकी थी जैसे प्रिया प्रकाश द वॉरियर क्योंकि 155 सीसी की यही एक बाइक है जिसने अपने लुक्स और परफॉर्मेंस से पल्सर RS 200 को पीछे छोड़ दिया था क्योंकि दोस्तों इस बाइक का लुक्स सबसे ज्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर है और अगर आप इस बाइक को एक नज़र देख लोगे तो आपको भी इससे प्यार हो जाएगा क्योंकि इस बाइक की डिमांड सबसे ज्यादा है और 2019 में 800,000 से भी ज्यादा R15 वर्जन 3 सोल्ड हुई थी और अगर प्राइस की बात की जाए तो R15 V3 में आपको दो वेरिएंट मिलेंगे। पहला R15 V3 BS4 ABS इसका प्राइस है 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली। दूसरा R15 V3 BS6 ABS इसका प्राइस है 1,45,000 एक्स शोरूम दिल्ली और अगर आप V3 का BS6 वेरिएंट लोगे तो आपको न्यू कलर्स और ग्राफिक्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे और दोनों ही वेरिएंट्स में आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलेगा। इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOHC लिक्विड कूल्ड BS4 इंजन जिसकी मैक्सिमम पावर है 19.3 PS एट 10,000 RPM पर और टॉर्क है 14.7 Nm एट 8,500 RPM का और BS6 इंजन में आपको 18.6 BHP का पावर
मिलेगा। दोस्तों टॉप स्पीड ये बाइक 135 प्लस का पकड़ लेती है और माइलेज आप इससे अराउंड 50-55 KMPL का गेन कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने इस बाइक का माइलेज ज़्यादा बता दिया है तो आप YouTube पर इसकी माइलेज टेस्ट वीडियोस देख सकते हो, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 100x80 का 17 इंच का टायर मिलता है और पीछे आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन मिलेगा और 140x70 का 17 इंच का टायर मिलेगा। बाकी दोस्तों R15 V3 की अभी तक कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आई है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस और लो बिल्ड क्वालिटी, इसलिए अगर आप एक बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो तो यामाहा R15 वर्जन 3 आपके लिए बेस्ट है। और कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइए कि आपको R15 V3 पसंद है कि नहीं। पांचवें नंबर पर आती है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। दोस्तों रॉयल एनफील्ड लवर्स आपको हर स्टेट, हर गली, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे क्योंकि इस बाइक के साउंड के दीवाने सभी लोग हैं और एकदम कॉम्पैक्ट और सिंपल डिज़ाइन इस बाइक को दिया गया है, इसलिए शायद इस बाइक को कहते हैं मेड लाइक अ गन फायर लाइक अ बुलेट। और 2019 की सबसे सक्सेसफुल बाइक रही है रॉयल एनफील्ड 350 क्योंकि 10 लाख से भी ज़्यादा क्लासिक 350 बिकी थी और हम उम्मीद करेंगे कि 2020 में भी ये इसी तरह बिके। प्राइस की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड के पास 350 cc में ढेर सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन हम क्लासिक 350 की बात करेंगे और इसका प्राइस है 1,70,000 एक्स शोरूम दिल्ली और माइलेज आप इससे अराउंड 35-40 KMPL तक का गेन कर सकते हो। इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 346 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ट्विन स्पार्क कार्बोरेटर इंजन और जो BS6 बुलेट आ रही है उसमें आपको फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट भी मिल जाएगा। इसका मैक्सिमम पावर है 20 PS एट 5,250 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क है 28 Nm एट 4,000 RPM का। और डिसएडवांटेज इस बाइक का है ही नहीं क्योंकि आप जितना चाहो उतना सामान इस पर लेकर जा सकते हो क्योंकि टॉर्क इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप एक सच्चे रॉयल एनफील्ड लवर हो तो कमेंट बॉक्स पर अपनी फेवरेट रॉयल एनफील्ड का नाम ज़रूर लिखें। आखिरी 6th नंबर की बाइक है बजाज डोमिनार 400। दोस्तों ये बजाज कंपनी की पहली 400 cc की बाइक है जिसने ड्यूक 390 को भी टक्कर दिया है। बाइक काफ़ी हैवी लुक प्रोड्यूस करती है और इसका मस्कुलर टैंक बाइक को एक स्पोर्टी प्रीमियम लुक देता है। और दोस्तों 2019 में 3.5 लाख से भी ज़्यादा डोमिनार 400 बिकी थी और ड्यूक 390 की सिर्फ 1 लाख सेल्स हुई थी। वो इसलिए क्योंकि बजाज ने डोमिनार 400 में वो सारे फीचर्स दिए थे जो आपको 390 में मिले हैं और वो भी सिर्फ 1,90,000 एक्स शोरूम प्राइस पर। और प्राइस ही एक वजह थी जिसके कारण डोमिनार 400 की सेलिंग्स में इंक्रीजमेंट आया क्योंकि सिर्फ 2 लाख के अंदर में इतनी पावरफुल 400 cc की बाइक आपको सिर्फ बजाज कंपनी ही दे सकती है और इस बाइक को आप टूरिंग, ऑफ रोडिंग सभी जगह के लिए यूज कर सकते हो। इंजन इसमें आपको मिलता है 373.3 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक DOHC 4-वाल्व लिक्विड कूल्ड ट्रिपल स्पार्क FI इंजन जिसकी मैक्सिमम पावर है 40 PS एट 8,650 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क है 35 Nm एट 7,000 RPM पर और माइलेज इस बाइक से आप अराउंड 25-30 KMPL तक का गेन कर सकते हो। बाइक के फ्रंट में आपको USD फोक सस्पेंशन मिलते हैं और पीछे आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलते। बाकी दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि 2 लाख रुपए के अंदर में बेस्ट पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक और वैल्यू फॉर मनी बाइक बजाज डोमिनार 400 ही है। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस रोजाना लाता रहता हूं। अभी के लिए थैंक्स।